बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली में हुई आज की बारिश की, और इस बारिश ने पोल खोल दी। कहां तो कहा जाता था कि लंदन बनाएंगे, लेकिन दिल्ली आज दरिया में तब्दील हो गई। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश हुई भी, लेकिन बारिश क्या तस्वीर लेकर आई वो मैं आपको दिखाऊं। दरअसल राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में वाटर लॉगिंग हो गई है, जल भराव है। प्री मॉनसून बारिश से जगह जगह पानी भर चुका है। जल भराव के बीच कई गाड़ियां फंस गई, और इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली ही बारिश में कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। राजधानी दिल्ली का जो हाल है वो तस्वीर के जरिए आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि प्री मॉनसून की बारिश, अभी मॉनसून नहीं आया है, मॉनसून आने में 4 से 5 दिन का वक्त है, लेकिन प्री मॉनसून की बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। सोचिए शुरुआती बरसात में यह हाल है तो आगे स्थिति और कितनी बुरी हो सकती। सोचिए जरा 3-4 दिन लगातार बारिश हो जाए दिल्ली में, अभी अगले 3 दिन के लिए बारिश में दिल्ली में बारिश का अलर्ट है, तो अगर लगातार बारिश हो ही जाए राजधानी दिल्ली और NCR के इलाके में तो सोचिए क्या स्थिति हो सकती है। मैं अब आपको जिस दिल्ली को लंदन बनाने के सपने दिखाए जाते थे उस दिल्ली की तस्वीर दिखाता हूं। ये टॉप एंगल व्यू है, और ये आप देखिए, ये लंदन की तस्वीर, ये इमेजिनरी लंदन जो दिल्ली में बनाया जाना था, ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए स्थिति क्या है, इस बार जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये डिवाइडर पर खड़े लोग आपको सारी कहानियां बयां कर रहे हैं। ये जो फ्लाईओवर है यहां से तो गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन डिवाइडर पर लोग खड़े हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि सड़कों पर पानी भर चुका है। कुछ घंटे की बारिश, थोड़ी सी बारिश, जिससे पूरा शहर अभी तरबतर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन सड़कें कैसे पानी में डूब चुकी हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। अब आपके सामने 3 तस्वीरें। दिल्ली में बारिश का दौर है, और इस दौर का इंतजार तो सब कर रहे थे, लेकिन ये बारिश का दौर कैसे परेशानियां लेकर आया। तस्वीर नंबर 2 आप देखिए, और तस्वीर नंबर 3 भी आपके सामने, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बीती रात को राजधानी दिल्ली NCR समेत तमाम हिस्से बारिश से सराबोर थे। ये बारिश NCR के लोगों के लिए राहत लेकर आई, तो वहीं प्रशासन की पोल भी इसने खोल दी। बारिश से NCR की तमाम सड़कें इस वक्त जलभराव से हलकान हैं। जलभराव के चलते जगह जगह लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से सुबह सुबह जो लोग तमाम अपने दफ्तर या ऑफिसेस के लिए निकले थे वो जाम में फंस गए। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं, जो ये तस्वीरें अपने आप में सारी कहानियां बयां कर रही हैं। और इन सब के बीच में आपको एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाएंगे। दिल्ली की सड़क पर बीजेपी पार्षद नाव चलाते दिखे, ये देखिए तस्वीर आपके सामने। नालों की सफाई को लेकर आप सरकार पर निशाना साधने का ये तरीका बीजेपी पार्षद का है। नाले जाम होने की वजह से वाटर लॉगिंग, और उसके बाद आप देखिए कि कैसे मजे ले रहे हैं बीजेपी के नेता। PWD का नाला ओवरफ्लो हो रहा है, बीजेपी पार्षद का ये आरोप है। वो कह रहे हैं कि निगम और विधानसभा में आपकी सरकार है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, और ऐसे में जब मौका मिला बीजेपी के पार्षद को तो वो देखिए पानी के बीच में कैसे नाव चला रहे हैं। PWD का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये PWD का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे, हमने सदन में कहा निगम के सदन में कि नालों की सफाई कराइए, PWD के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। तो ये पार्षद साहब बहुत खुलकर कह रहे हैं कि निगम में इस बात को कहा गया कि आप नालों की सफाई करवाइए, लेकिन निगम ने ऐसा नहीं किया। सवाल ये है कि क्या निगम को ये लगता नहीं था कि बारिश होगी? क्या वो ये मानकर चल रहा था कि बारिश होगी ही नहीं? अगर बारिश होने को लेकर तैयारियां होती तो शायद आज ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। अगर होती 3-4 दिन बारिश और इस तरह से पानी भर चुका होता तो शायद सवाल नहीं खड़े किए जाते, लेकिन ये कुछ घंटे की बारिश, और कुछ घंटे की बारिश ने कैसे पोल खोल दिया, ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। वैसे दिल्ली की विडंबना ये है कि बारिश नहीं थी तो पानी की किल्लत थी, बारिश है तो ज्यादा बारिश की वजह से लोग परेशान। अब अगली बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भयानक जाम लग चुका है। कालिंदी कुंज में
जाम में हजारों गाड़ियां फंस गई हैं। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए सारी लाइनें कैसे इस वक्त भर चुकी हैं। तकरीबन 8 लाइनें, 8 लेन कालिंदी कुंज की इस सड़क से, लेकिन ये सारी लेन इस वक्त जाम है। आप देख सकते हैं गाड़ियां टस से मस नहीं हो रही। ये जाम कितनी देर तक रहेगा फिलहाल इसका अंदाजा किसी को नहीं। बारिश के चलते कुछ इलाकों में पानी भर गया और उसके बाद कैसे गाड़ियां रेंगने लग गई सड़कों पर, ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एक बार जरा तस्वीरें देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, मतलब 8 लेन्स पूरी तरह से जाम है और यहां से लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जो लोग ऑफिसेस की तरफ जा रहे थे उन लोगों को काफी देर हो गई। और अगली खबर, दिल्ली के असूला में बारिश से हालात बिगड़ गए। इस इलाके में 5 से 6 फीट तक पानी भर चुका है, लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है और लोगों के सामान बहने लग गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए दिल्ली की तस्वीर। कल तक दिल्लीवासी कह रहे थे बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, अब दिल्लीवासी इसी बारिश से परेशान हो गए। जरा कुछ रिएक्शन जो आए वो देखिए। कितना पानी मेरे घर के अंदर है, मेरे घर का सारा सामान बह गया, मेरा इतना बुरा हाल है कि बालीग बस्ती में हर साल हर वर्ष लाखों रुपए के नुकसान होते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेरा अपना खुद का होता है। मैं देवेंद्र सिंह प्रधान आपके सामने अपनी पूरी कहानी बता रहा हूँ। ये देख लो, ये हाल है मेरे घर का। हर साल झूठे वादे किए जाते हैं, ना कोई यहाँ MP आता है, ना कोई MLA आता है, ना कोई कोटलर यहाँ आता है। ऐसे ही हम हर साल डूबते हैं, कागजों पर काम होता है, हमारा यहाँ बहुत बुरा हाल है। पहली बारिश और मुसीबत आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अब आप ये सड़कों की तस्वीरें देखिए, कैसे पानी यहाँ पर भरा हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों से जब नालों के चोक को हटाया गया तो उसके बाद इस तरह से वाटर ड्रेन होता हुआ दिखा और वहाँ पर लोगों को राहत मिली क्योंकि सड़कों से पानी हटा। क्योंकि सड़कों पर पानी होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, लोग जहां तहां फंस गए और इसके चलते उन्हें परेशानियां लगातार उठानी पड़ रही हैं। इधर दिल्ली NCR में भारी बारिश के चलते हाल कैसे बेहाल इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब आपको नोएडा की तस्वीर दिखाएं तो कहानी दिल्ली से अलग नहीं है। नोएडा यहां पर भी जलभराव है। नोएडा के कई हिस्सों में सड़क पर पानी भर चुका है और भरे पानी में कार तैरती हुई नजर आई। दिल्ली हो या नोएडा, पूरे NCR में हालात एक ही जैसे हैं। तस्वीरें सेक्टर 62 की हैं, नोएडा के सेक्टर 62 की तस्वीरें। यहां सड़कों पर कमर तक पानी जमा हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में तेज बारिश की वजह से कई स्थानों पर जल जमाव है। पानी में तैरती कार की तस्वीर नोएडा सेक्टर 95 से सामने आई। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर मानसून की बारिश से पहले क्यों कदम नहीं उठा लिए जाते जिससे कि लोगों को परेशानियां ना हो। हर साल की कमोबेश यही तस्वीर है। अब आप ये तस्वीरें देखिए, इसके बीच में ये तो सिर्फ टायर हैं तो इस वजह से ये गाड़ियां चल रही हैं, नहीं तो इनको तैर कर जाना पड़ता। अब ये देखिए गाड़ी, ये गाड़ी फंस गई तो उसके बाद ये तैरने लग गई। ड्राइवर बेबस था कि वो करे क्या, लेकिन पानी इतना जमा हो चुका है कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये देखिए वो खुद इसको धक्का देते हुए पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है, सामने आता तो फिर शायद और ज्यादा उसकी मुश्किलें बढ़ जाती और इसीलिए उसने गाड़ी को पीछे ले जाना शुरू कर दिया। और बड़ी खबर, बारिश के चलते दिल्ली पुलिस का थाना डूब गया। IP स्टेट थाना पानी में डूब चुका है। राजधानी दिल्ली से यह तस्वीर, कुछ घंटे की बारिश और उसके बाद कैसे थाना, सड़क, घर सब कुछ डूबा हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली NCR के इलाकों में। फिलहाल IP स्टेट थाना कैसे डूबा हुआ है उस पर यह रिपोर्ट आप जरा देखिए। तो प्री मानसून की पहली बारिश और राजधानी दिल्ली में सड़कें ही नहीं, दिल्ली के थाने भी डूब गए हैं और तकरीबन 1 फीट पानी में डूबा दिल्ली का IP स्टेट थाना है और दिल्ली सरकार के हेडक्वार्टर दिल्ली सचिवालय के ठीक दूसरी तरफ मौजूद है। लेकिन यहाँ पर स्थिति यह है कि पानी भर जाने की वजह से बिजली काटी हुई है इस इलाके की और बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 से 2 फीट पानी जो है अभी तक उतर चुका है। थाने में काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे काम कर रहे हैं आप लोग थाने में? बस काम क्या करना, घूम ही रहे हैं देखते हुए। अगर लोग आए अभी तो बिजली सब कटी हुई है। बिजली हमारा थाना अभी LNJP चौकी से चल रहा है। अच्छा, थाने का पूरा काम चालू है। हाँ। पब्लिक की सहायता के लिए हमारी पुलिस उतरी हुई है, पानी भी निकलवा रहे हैं। हाँ। और सड़क पे ट्रैफिक भी। कितना पानी हो गया था सुबह के वक्त? इसमें करीबन 3 फीट पानी था थाने में। 3 फीट 3 फीट पानी था। हाँ। इसका निशान है 3 फीट पानी है। निशान